लॉकडाउन के दौरान यूपी के भदोही से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कलयुगी मां ने अपने ही 5 बच्चों को गंगा नदी में डुबो दिया है। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जिसने भी ये खबर सुनी उसके होश उड़ गए। बता दें कि महिला का उसके पति से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था और विवाद के कारण माता से कुमाता बनी इस महिला ने बेहद खौफनाक कदम उठाया, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जिसने भी इस महिला की कारिस्तानी सुनी उसकी रूह कांप गई। इस महिला के खौफनाक मकसद की भनक परिवार में भी किसी को नहीं थी। महिला चुपचाप अपने बच्चों को गंगा नदी के किनारे ले गई और इस कठोर दिल मां ने बच्चों को नदी में धक्का दे दिया, जिससे नदी में 5 बच्चे डूब गए। मामला भदोही जिले के जहांगीराबाद का है, जहां के रहने वाले मृदुल की शादी मंजू से हुई थी और इनके 5 बच्चे थे, जिनमें 2 बेटे और 3 बेटियां शामिल थीं। बता दें कि पिछले कुछ समय से दोनों का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा था और अक्सर पति पत्नी में झगड़े होते रहते थे, जिसको लेकर मंजू काफी दिनों से तनाव में थी। और इस तनाव का नतीजा ही था कि मंजू ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया कि जिसे सुनकर आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। झगड़ा और पति को सबक सिखाने की सनक ने मंजू को हैवान बना दिया और जैसे ही मंजू का पति मृदुल कुछ दिनों के लिए बाहर गया, हैवानियत में अंधी मंजू अपने बच्चों को लेकर नदी पर पहुंच जाती है और एक एक कर अपने 5 बच्चों को नदी में धक्का दे देती है। इसके बाद मंजू घाट के किनारे आकर बैठ जाती है। घाट पर मंजू को बैठा देख ग्रामीणों ने जब पूछताछ की तो उसने सबके सामने अपनी हैवानियत कबूल कर ली और ग्रामीणों को बताया कि उसने सभी बच्चों को नदी में डुबो दिया है, जिसे सुनकर ग्रामीणों के होश उड़ गए। जैसे इस खौफनाक घटना की जानकारी ग्रामीणों को हुई तो आनन फानन में ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी पहुंच गए। वहीं पुलिस गोताखोरों की मदद से गंगा में डूबे 5 बच्चों की तलाश में जुटी हुई है। देखिए, जानकारी ये लगी है, पहले तो ये जानकारी आई कि महिला अपने बच्चों सहित कूद गई है। अब पता चला है कि महिला है और अपने 5 बच्चों को उसने नदी में फेंक दिया है, जो एक्सेप्ट भी कर रही है। बच्चों का पता लगाया जा रहा है, जाल डाला जा रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं गंगा जी बहुत गहरी है, यहाँ पर बहाव भी काफी तेज है, कभी कोई सफलता नहीं मिली है हमें इसमें। अब इसके बारे में हम देख लेंगे, क्योंकि अब ये डूब गए हैं बच्चे, अगर ये डूबे होंगे तो करीब 18 से 20 घंटे लगते हैं ऊपर आने में, तो केवल अब सर्विलांस के अलावा और कोई जगह नहीं बचेगी इसमें। कलयुगी माँ के इस कृत्य की चर्चा हर ओर हो रही है। लोगों में जहाँ बच्चों के डूबने का गम है तो वहीं हैवान माँ के खिलाफ गुस्सा भी देखा जा रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।